जी डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज नंबर 41 करने जा रहे हैं। पेज नंबर वही 41 एक्सरसाइज नंबर में कहता है कन्वर्ट 3 or 4 टू इट्स इक्विवेलेंट नंबर इन बाइनरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा कि मैंने आपसे ये कहा था कि जो 2 होता है वो इक्वल टू 10 होता है, 3 इक्वल टू 11 होता है और 4 इक्वल टू 100 होता है बाइनरी सिस्टम में। आपको डियर याद होगा। तो अब अगर आप देखें तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास 3 over 4 है, 3 over 4, इसे हम या इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो 3 है 3 इक्वल टू 11 होता है तो 3 की जगह आप लिखें 11 डिवाइड बाई 4, 4 इक्वल टू 100 होता है तो इस 4 की जगह आप 100 लिखेंगे। यानी अब आपने 11 को 100 पे डिवाइड करना है। तो ये जो 11 है इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, ये जो 100 है इसको आउटर में लिखेंगे। अब देखिए, ये छोटा है और ये बड़ा फिगर है, तो इसलिए ये अमाउंट इससे कम है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ज़ीरो लगाना है। जब यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे तो यहाँ पे आपने इशारी लगानी है, इशारी लगाएं या इधर ज़ीरो भी लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी है, ज़ीरो लगाएं या ना लगाएं, लेकिन ये पॉइंट आपने लाजमी लगाना है। तो 100 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 0 में से 0 को माइनस करें तो 0, 1 में से 0 को माइनस करें तो 1 आता है। उसके बाद दोबारा यहाँ पे कोई फिगर है नहीं कि उसको हम नीचे उतारें, तो अपने से एक 0 लगा लें। जब अपने से 0 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 0 लगाना है आपने। अब ये इस पर डिवाइड हो सकता है, 100 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही 100 आता है। इसी तरह ये एक्सरसाइज नंबर 41 साथ हो गया। तो इसका आंसर है 0.101। जी, इसको नोट करें। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज नंबर 42 करने जा रहे हैं।